नमस्कार, मेरा नाम मनोज पांडे है और मैं ग्रेटर नोएडा स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बीमटेक में इंश्योरेंस का प्राध्यापक हूँ। आज मैं आपसे कुछ जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, इंश्योरेंस बीमा एक मुख्यतः एक करार है, एक कॉन्ट्रैक्ट है एक इंडिविजुअल व्यक्ति और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जिसमें यह तय होता है कि अगर उस व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि होती है जो कि पॉलिसी में लिखित है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसे आर्थिक क्षतिपूर्ति करती है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मेरे पास एक फैक्ट्री है और मैंने फैक्ट्री का इंश्योरेंस करा रखा है आग लगने के अगेंस्ट में, तो अगर हमारी फैक्ट्री में आग लगती है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी जितनी भी हमारी क्षतिपूर्ति होती है उसका रकम का भुगतान करती है और मैं फिर एक नए सिरे से अपनी फैक्ट्री को चालू कर सकता हूँ। मोटर गाड़ी में यही होता है, गाड़ी का अगर एक्सीडेंट होता है तो जितना भी डैमेज होता है गैरेज में जाने के बाद रिपेयर कॉस्ट होता है उसको इंश्योरेंस कंपनी देती है। जीवन बीमा भी इसी सिद्धांत पे काम करता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। गाड़ी की क्षति या फैक्ट्री में आग, इसको समझना बड़ा आसान है, लेकिन जब जीवन बीमा की बात आती है तो शायद हम अपने जीवन के उस महत्व को नहीं समझ पाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इवन कि महाभारत में भी एक प्रसंग है, यक्ष युधिष्ठिर विवाद था, जिसमें कि यक्ष युधिष्ठिर जी से कुछ क्वेश्चंस पूछता है और युधिष्ठिर जी उसका जवाब देते हैं। उसमें से एक प्रश्न ये भी था कि दुनिया में ऐसी क्या चीज़ है जो लोग हमेशा देखते हैं फिर भी उसको मानने को तैयार नहीं होते हैं। और युधिष्ठिर जी का यही जवाब था कि लोग रोज़ लोगों को श्मशान घाट जाते देखते हैं, लेकिन मेरी खुद की मृत्यु होगी इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। देखिए, पारिवारिक जीवन में हम सभी का अपना एक महत्व है। हम किसी के पुत्र हैं, किसी के पति हैं, बच्चों के पिता हैं, ये बिल्कुल सही है। और इस रिश्ते से अगर कोई गायब हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो इसकी क्षतिपूर्ति नहीं होती है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि जब हम इस परिवार में हैं, जब इस समाज में हैं, जब इस संसार में हैं, तो हम एक अर्थोपार्जन के एक माध्यम भी हैं। अगर मैं नौकरी करता हूँ तो महीने के अंत में एक मुश्त रकम सैलरी के रूप में आती है और वो रकम घर परिवार चलाने में काम आती है। घर के खर्चे, मकान का ईएमआई, बच्चों का ट्यूशन फी, ये सब चलता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो फिर सिर्फ वो व्यक्ति नहीं मरता है, उसके द्वारा होने वाला जो इनकम है, जो आय है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है और वो जो रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम जो फैमिली के वेलफेयर, उसके हित के लिए आता था, वो बंद हो जाता है। कभी आपने सोचा है कि अगर मैं नहीं रहूं तो फिर मेरी परिवार का क्या होगा? ईएमआई जो फैमिली, जो इस मकान में मैं रहता हूँ और जिसके लिए मैं हर महीने ईएमआई देता हूँ, वो बंद हो जाएगा, बैंक वाला आकर के उस मकान पे कब्जा कर लेगा, हमारी फैमिली को बाहर निकलना पड़ेगा। बच्चे जो आज किसी ठीक ठाक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई भी बाधित हो सकती है और फिर रोज़मर्रा के खर्चे के पैसे के लिए भी शायद परिवार को थोड़ा झेलना पड़ेगा, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो क्या यह मेरी जिम्मेवारी नहीं है कि मैं अपने समझ के अनुसार इस तरह का जीवन बीमा लूं ताकि मेरे नहीं रहने के बाद जो एक मुश्त रकम मिले उससे परिवार को आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़े? देखिए, इमोशनल चीज़ों को तो साइड में रखना ही पड़ेगा, इन्हें यहाँ हमें बिल्कुल आर्थिक रूप से अपने जीवन के मूल्य को समझना है और उतना का बीमा लेना है ताकि मेरे नहीं रहने पर भी परिवार को आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़े। जीवन बीमा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। मैं तो इसे इन्वेस्टमेंट भी नहीं कहूँगा और होता भी नहीं है, ये मूलतः रूप से ये रिस्क मैनेजमेंट है कि अगर हमारे परिवार पे जो आने वाली संभावित क्षति है, संभावित खतरा है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। आदमी के फाइनेंशियल प्लानिंग में बीमा सबसे पहला पड़ाव होना चाहिए, क्योंकि बीमा ही एक ऐसा स्रोत है जो आपके कम कंट्रीब्यूशन के बावजूद भी आपके परिवार को सुरक्षा देता है। एडिक्वेट पूरा बीमा लेने के बाद व्यक्ति को बाकी हर जगह निवेश करना चाहिए, शेयर मार्केट में करना चाहिए, फिक्स्ड डिपॉजिट में करना चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त जो सबसे पहला पड़ाव है वो बीमा होता है। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी को अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए, अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए और जीवन बीमा कराना चाहिए। धन्यवाद। Thank you.